तुम बोलो कुछ, कुछ बोलो कि यार, थोड़ी थोड़ी बोल देता हूँ, ठीक है? हरे कृष्णा, हरि बोल। अभी हम लोग जहाँ पर पहुंचे हैं, हम लोगों ने श्रवण किया, ये स्थान काम्य बने हैं। काम्य मतलब साधारण रूप में अर्थ होता है, आप कोई भी कामना वासना, जागत की कामना हो नहीं तो परमार्थ की कामना हो, कोई भी कामना वासना को लेकर के अगर ये वन में कोई आएगा तो उसको सारे कामना वासना ठाकुर जी पूरी कर देते हैं। इसलिए गुरु जी कहा करते थे, आप छोटी मोटी चीज ठाकुर से मत मांगा करो, ऐसे एक चीज कामना वासन कामना इच्छा करो, जो एक चीज मिले तो जीवन में सब चीज आपको मिल जाए। कहते वो क्या है? बोले भगवान की भक्ति व भगवान का प्रेम। यहाँ पर जो काम शब्द है, कहते गोपियां जो कृष्ण को जो प्रेम करती थी, वही प्रेम ही असली ये काम है। इसलिए यहाँ आने पर विशेष करके हमें ब्रज की जो भक्ति, ब्रज की जो प्रेम है, वो चीज हमें प्राप्त होता है। इसलिए ये स्थान का नाम काम्य बन। दूसरा अर्थ है, काम्य मतलब होता है कमनीय अबार रमणी। ये जो बन है, बड़ा सुंदर बन है ये बन। इसलिए यहाँ पर जब भगवान कृष्ण अभी भी दिव्य दिव्य है, लेकिन अभी हम ये जड़ आंखों से ठाकुर जी का जो दिव्य लीला हमें दर्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन जो वास्तव रूप में वृंदावन का जो दर्शन है, गोपियां क्या कहती हैं? बोले जयती तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सास्वदत्रहि। इसलिए गोपियां कहती जो वृंदावन धाम है, जब भगवान कृष्ण आते हैं, जो बोले श्रयत इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, मूल लक्ष्मी कौन है? श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की, इसलिए बड़े सुंदर बन, इसलिए इसका काम्य बन है। ये स्थली कृष्ण की गोचारण का स्थली है। कृष्ण यहीं पर आकर के सखाओं के साथ में, ये जो सरोवर देख रहे हैं, ये खीर समुद्र है, ये खीर समुद्र ये है। इसलिए सखा लोग इसमें प्रसाद पा करके, जो अभी आप लोगों ने दर्शन किया है, ये भोजन थाली आप देखे होंगे, पत्थर के ऊपर में नेचुरल रूप में, जैसे हम भोजन करते हैं ना, जैसे प्लेट आपको साफ सुथरा बड़े पवित्र होता है, आप देखे होंगे पूरा, जैसे ये इसमें बाप, इसलिए ये पूरा के पूरा ये क्या है, थाली, सुंदर सुंदर थाली बने हुई है। कृष्ण ही शंखाओं के साथ में इधर आ करके क्या करते थे, पकोड़ा मालपुआ और तरह तरह का चीज लाया करते थे, और शंखाओं के साथ में बैठ करके हंसी दिलाई करते हुए यहीं पर भोजन करते थे। इसलिए स्थान का नाम पड़ेगा भोजन स्थली। हम लोग ने और कुछ, हम अगर इसको दर्शन करना ना, तीन चार दिन रहना पड़ेगा, तभी तो बढ़िया से दर्शन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है, जब उधर से आए ना, देखो उधर का पर्वत है, उसमें एक गुफा है, वो बोमासुर गुफा है। यहीं पर बोम नामक, बोमासुर नामक एक राक्षस रहता था। एक दिन कृष्ण यहाँ ग्वाल बालों के साथ में कृष्ण क्रीड़ा कर रहे थे, इतने बोमासुर ने आकर के क्या किया, कृष्ण सखाओं के साथ में क्या खेल रहे थे, कुछ बन गए मेष, कुछ बन गए जो मेष को रखवाली करने वाले, कुछ बन गए जमीन जगत का माली है, ये सब खेल खेल रहे थे। इतने में ये बोमासुर ने किया कि एक सखाओं का रूप धारण कर लिया, और उन्हें सखाओं का रूप धारण करते हुए ना, वो भी आकर के कृष्ण सखाओं के साथ में खेलने लग गए, और एक एक सखा को लेकर के, अगर समय रहता आप भी वो पहाड़ के ऊपर उठते, लेकिन एक पहाड़ के ऊपर उठकर अवस्था खराब हो गया आपका, इसलिए हमने कुछ जगह छोड़ दिया। जहां पर मेरे तरफ में देखो, जैसे कृष्ण ऐसे त्रिभंग ललित रूप में खड़े होकर के बंसुरी बजाते, एक पहाड़ चरण पहाड़ी हम गए नहीं, क्योंकि अगर ले जाएंगे ना बीच में रह जाओगे हम लोग, इसलिए वहां पर भी बहुत सारी सीढ़ी चढ़ना था, इसलिए ऑलरेडी हमने केदारनाथ में बहुत सारी सीढ़ी चढ़ गए, इसलिए आपको हम लेकर वहां गए नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी बोमासुर का अभी भी वो गुफा है, हैं? उन्होंने एक एक करके कृष्ण की सखाओं को गुफा में बंद कर देता था, और पत्थर से क्या करता था, उसको मुंह को ढक करके आता था, फिर सखाओं को उठा कर ले जाता था। कृष्ण ने देखा, भैया हमारी सखा धीरे धीरे कहाँ गायब हो रहा है, ये ऐसे काम कौन कर रहा है, देखा ये बोमासुर ने क्या कर रहा है, एक एक सखा को उठा कर ले जाता है और गुफा में बंद कर देता है। इतने में जब कृष्ण को उन्होंने पता चला ना, कृष्ण उसको पकड़े, पकड़ करके यहीं पर उन्होंने बध किया। जो बध कर रहे थे, ये पृथ्वी डगमगाने लग गई,
इसलिए ये पास में श्री बलदेव प्रभु ये संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता श्री दाऊ भैया, बोले दाऊ भैया की। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना चरण से उन्होंने पृथ्वी कांप रही थी, उन्होंने चरण से उन्होंने पृथ्वी को उन्होंने दबा करके रखे। कृष्ण उन्होंने बोमासुर को वध किया। यहाँ पर एक समय कृष्ण सखाओं के साथ में खेल रहे थे, ब्रज की गोपियां आई, बोले ये कृष्ण ये कौन है, बोले तुमको पता नहीं, तुम ग्वालिनी क्या जानते हो, मैं ही वही राम अवतार में राम था, मैं सत्य युग में नारायण था, मैं अभी कृष्ण बन करके आया। गोपियों ने कहा तुम्हारे डी घाघना तुम्हारा स्वभाव है, हम ये था हम जानते हो मक्खन चोर है हमारी प्रियतम। कृष्ण ने कहा तुम लोग सब ग्वालिनी है, तुम लोग मेरे को क्या जानते हो, मैं वही भगवान हूँ। गोपियों ने कहा अगर तुम तृतीया युग में राम था, राम तो सेतु बंध बांध कर दिखा दो तो पता चलेगा। कृष्ण ने कहा, उन्होंने सारे बंदर को उन्होंने स्मरण किया, स्मरण करते जितने सारे बंदर थे ना वो सबके सब आ गए। कृष्ण ने बंदर का आदेश दिया, ये पानी के ऊपर सेतु बंध बांध दो। उन्होंने उठा उठा कर लाए पत्थर को उठा उठा कर उन्होंने सेतु बंध बांध दिया, अभी वो बंद है। जब भगवान रावण को वध करने के लिए गए, वहां पर रामेश्वर को भी पूजा की थी, यहाँ पर रामेश्वर भी है, वहां पर लंका है, सीता माता जी जो अशोक वाटिका में उन्होंने रही थी, यहाँ पर वो अशोक वाटिका भी यहीं पर है। और ये जो स्थान है यहीं पर कृष्ण उन्होंने अपने ये पंच पांडव ने इसी यहीं पर काम्य वन में ही उन्होंने उनको जो वनवास हो गया था, इन्होंने काम्य वन में ही उन्होंने यहीं पर रहे, काम्य वन में जब काम्य वन में रहे यहीं पर ही उनको बड़ी प्यास लगी तो द्रौपदी को श्री युधिष्ठिर महाराज भीम को बोले कहीं पानी मिले तो ले आओ। इतने में भीम जब गए पानी लेने के लिए, एक बगुला देखा, बोले सावधान, बोले क्या बात है, बोले ये सरोवर मेरे है, मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तभी पानी पी सकते हो, नहीं तो पानी नहीं पी सकते। भीम बोले कि बगुला का प्रश्न का उत्तर देकर पानी पीना पड़ेगा, तुमको पता नहीं मैं भीम से नहीं हूँ। उन्हें जोर जबरदस्त से पानी पीने के लिए गया तो क्या हुआ, वहीं पर शरीर छोड़ दिया। ऐसे ही अर्जुन नकुल सहदेव सबके सब शरीर छोड़ दिए। युधिष्ठिर महाराज ने सोचा एक एक गए तो गए वापस क्यों नहीं आए। जब युधिष्ठिर महाराज आए फिर बगुला प्रश्न, सावधान ये सरोवर मेरे हैं, जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देते हो पानी नहीं पी सकते हो। लेकिन उनका नाम ही युधिष्ठिर, युधिष्ठिर मतलब क्या, युद्ध में भी जो स्थिर रहते हैं। बोले बताओ क्या प्रश्न है, उनने बहुत कुछ प्रश्न किया, उसमें एक दो प्रश्न हम सुन लेते हैं। एक प्रश्न था, जीवन में सुखी कौन है, जीवन में सुखी कौन है। बोले जगत में वही सुखी जो कभी किसी की ऋणी नहीं लिया, और जो अपना घर में जो रहता है और साथ और सब्जी बस साग रोटी खा करके किसी तरह से जो जीवन बिता देता है वो असली जगत में सुखी। बोले मतलब क्या इसका हो गया, जो अपना घर में रहता है, अपना घर कहाँ है, ये तो अपना घर है ही नहीं, हम तो रिफ्यूज होकर के भगवान को भूल करके दो दिन के लिए यहाँ पर आई, हमारी घर नहीं, असली घर कहाँ है, ठाकुर जी की चरण में जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, जहाँ जीव जाने पर कभी वहां से संसार में आना नहीं पड़ता, गोलोक वृंदावन ही हमारी असली धाम। बोले अऋणी, जो कोई ऋणी नहीं, आप बोलोगे हम तो ऋणी नहीं, लेकिन भागवत कहता है नहीं, ये जगत में जन्म लेने पर सबको पांच तरह का ऋणी चुकाना पड़ता है। बोले कौन कौन सा ऋणी, बोले देवताओं का ऋणी, पिता माता का ऋणी, परिवारों का ऋणी है, देव ऋणी, ऋषि ऋणी, राजा ऋणी, सबके सब हम ऋणी बने हुए हैं। पांच तरह का ऋणी में हम जगत में बंधे हुए हैं। अगर तो बोले पिता माता के ऋणी चुकाने के लिए जाओ ना, करोड़ों जन्म में भी पिता माता का ऋणी आप चुका नहीं सकते, इतने हम ऋणी, फिर तो सारे ऋणी रह गया। लेकिन श्रीमद् भागवत में कहते हैं वास्तव रूप में सारे ऋणी से मुक्त तो कौन है, बोले सर्वात्मना ज शरणम शरणम गत मुकुंदम परिहर्त कर्तव्यम, वही व्यक्ति केवल सारे ऋणी से मुक्त हो जाते हैं जो केवल भगवान की शरण में आ जाए, ठाकुर जी की शरण में जो आकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वही व्यक्ति समस्त ऋणी से ही मुक्त हो जाते, क्योंकि
विश्व ब्रह्मांड भगवान से ही ऋणी लिए हैं, हैं? इसलिए वहां पर बोले वही व्यक्ति जगत में कौन है सुखी, बोले पथ क्या है, बोले वेदा विभिन्ना स्मृते विभिन्ना नासो मुनिर्जस मतम न भिन्नम धर्म स तत्व निहित गुहायाम महाजन जन गतस पंथा। ऐसे कोई ऋषि नहीं जिसका मत अलग नहीं है, ऐसे कोई शास्त्र नहीं जिसका मत अलग नहीं, लेकिन जो धर्म तत्व है वो अत्यंत अत्यंत गोपनीय धर्म तत्व है। वो धर्म का रास्ता क्या है, बोले महाजन जेन गतस पंथा, पथ केवल एक ही है जो महाजनों ने जो मार्गों को अपनाया। बोले भागवत में द्वादश महाजन का नाम आया, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनो प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यास की बयम। ये जब स्वयं कह रहे हैं हम ये द्वादश महाजन हैं, इनको जो अनुसरण करते हैं कहते वो असली महाजन हैं, वास्तव रूप में वही एकमात्र पथ है। यही पर ही बहुत सारे प्रश्न जगत में, बोले आश्चर्य जगत में क्या है, जगत में बोले अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम। करुणा में कितने लोग गए, बोलो करुणा में कितने लोग गए, गए ना। लेकिन जो लोग अभी है कभी सोचते हो हम भी कभी मरने वाले, कोई सोच रहे कोई मरने वाले, हमसे कम उम्र के व्यक्ति चले गए, लेकिन हम क्या सोच रहे हम कभी मरेंगे नहीं। कहते जगत में ये सबसे बड़ा आश्चर्य चीज, बहुत सारी उन्होंने प्रश्न किया है। अरे यही इसी वन में पंच पांडव ने जब यहीं पर थे, दुर्वासा जी भी इसी वन में आए थे, जब उन्होंने दुर्योधन को घर में गए, दुर्योधन खिला पिला करके उनको संतुष्ट कर दिए, बोले बर क्या चाहते हो, बर क्या चाहते हो, बोले हमारे भाई लोग भी यहीं पर काम्य वन में, उनको पर भी कृपा करो। लेकिन दुर्योधन को पता था सूर्यदेव का एक बटोली एक पात्र है, किसको दिया, द्रौपदी को, बोले जब तक तू भोजन नहीं करोगे तब तक दुनिया को खिला सकती हो, लेकिन तुम खाने के बाद किसको तुम भोजन नहीं करा सकती। दुर्योधन पता लग रहा था कब ये पंच पांडव भोजन करके द्रौपदी का भोजन कर ले, जब द्रौपदी भोजन कर लिया ना, दुर्वासा जी को 10,000 शिष्य लेकर के आ गए, भेज दिया, बोले भाइयों के ऊपर कृपा करो। इतने में पंच पांडव तो हिल गए, युधिष्ठिर महाराज बोले द्रौपदी क्या तुमने भोजन कर ली, बोले तुम लोगों को खिला करके तुम्हें खाया, बोले सर्वनाश हो गया। यहाँ पर दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर के आए, लगता है हमारा प्राण जाएगा, आज हमारा अंतिम दिन है। तब उन्होंने दुर्वासा जी को बोले जाओ आप स्नान करके आओ, आपके लिए हम भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। इतने में द्रौपदी पंच पांडव बैठ गए, बोले द्रौपदी यद्यपि कृष्ण हम सबको प्रेम करते हैं, लेकिन सर्वोत्तम रूप में किसको ज्यादा प्रेम करते, बोले तेरे को, क्योंकि कृष्ण तुमको सखी बोल करके संबोधन करते हैं, अभी कृष्ण को स्मरण करो। इतने में द्रौपदी आंख बंद करके भगवान को स्मरण किए, हे दीनबंधु, हे पतित पावन, हे भक्त वत्सल कृष्णा, तुम तो पांडवों को हर समय तुमने रक्षा की, अभी दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर के आए, अभी तुम भी रक्षा करो। उसी समय कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी छापान भोग 36 व्यंजन लेकर के भगवान को सामने रखा हुआ। इतने में द्रौपदी का आवाज कृष्ण को कान में टकराया, इतने में आया हुआ जो थाला को उन्होंने सरका दिया। हमारे कहते ये बोली हमारे रुक्मिणी कहती, बोले प्रभु भोजन करो, बोले आज मैं अपना सखी द्रौपदी घर में मैं भोजन करूंगी। बोले देखो आया हुआ प्रसाद अगर छोड़कर गए ना, कहीं भोग कहीं आपको खाना नहीं मिलेगा, भोजन करके जा, बोले मेरे पास में समय नहीं। कृष्णा यहीं पर है, वायु से भी तेज गति में यहीं पर आकर कृष्णा इसी वन में प्रकट हुए। बोले द्रौपदी 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 आंख बंद करके हृदय से भगवान को पुकार रही थी, बोले द्रौपदी द्रौपदी द्रौपदी, बोले कृष्ण तो द्वारका में यहाँ कहाँ से आवाज आई, और उन्हें आंख खोल करके देखा ना, और जिसको स्मरण कर रहे थे वही भगवान सामने खड़े हुए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, इसलिए हम कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो उलाद नहीं। अगर सच दिल से अगर हम भगवान को पुकारेंगे तो भगवान जरूर हमें दर्शन देते हैं। जब देखा भगवान आ गए फिर तो कोई चिंता नहीं। इतने में कृष्ण बोले द्रौपदी मैंने परसा हुआ भोजन को छोड़ करके आया हूँ, बड़े तेज भूख लग रहा है, कुछ भोजन कराओ। बोले प्रभु आपको पता मैं जब तक भोजन नहीं करती हूँ दुनिया को खिला सकती हूँ, लेकिन मैं जो भोजन करती किसको मैं खिला नहीं सकती, प्रभु मैंने बटोले धो धा कर खा पी करके पलट कर रख दिया। बोले द्रौपदी
बाद में बात करना, पहले तो भोजन कराओ। कोई आए थोड़ी बोलोगे ये काम पहले भोजन करा के बोलोगे ना क्या विपत्ति। बोले प्रभु अभी दुर्वासा 10,000 शिष्य लेकर के आए। बोले बाद में बोलना, बोले कुछ है ही नहीं भोजन के लिए। बोले पात्र तो लेकर के आओ, ठाकुर की माया। जो पात्र लेकर आए उसमें केवल एक किनका चावल लगा हुआ था। बोले एक गिलास पानी ले आओ। उन्होंने एक किनका चावल खा करके एक गिलास पानी पी करके उन्होंने जो डकार उठाए है, बोले मेरा नाम अगर विश्वम्भर हो, मैंने तृप्त हो गया, ये विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो जाए। इतना जो बोल दिया ना, वो ऋषि लोग स्नान कर रहे थे कहां पर, विमला कुंड में। उनका पेट इतना बड़ा बड़ा हो गया जैसे रसगुल्ला, मालपुआ, दाल बाटी चूरमा पेट भर करके हमने खाए है, हजमोला खाने की भी शक्ति नहीं। बोले भैया ये क्या हो गया, पेट अपने आप इतना बड़ा कैसे हो गया। एक दूसरे को देख रहे थे। इतने में कृष्ण ने भीमसेन को बोले भीमसेन जाओ ऋषियों को बुला करके आ जा, ले आओ। बोले प्रभु ये काल को क्यों नौता दे रहे हो, ये दुर्वासा नहीं ये काल है, इसका क्यों नौता दे रहे हो। बोले एक काम करो गदा लेकर के जाओ। ए भीमसेन गदा लेकर के आ रहे हैं। जब ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ऋषि लोग जब दूर से देखा किसको, भीमसेन को, बोले भैया जरूर भोजन का कुछ व्यवस्था कर रखे होंगे, लेकिन पेट में हजमोला खाने की भी ताकत नहीं, इतना भरा हुआ पेट। इतने में जो भीमसेन को देख करके ना वहीं से भागे, कोई भूलो कोई जनलो कोई तपल लोग भाग रहे थे, लेकिन भाग नहीं पा रहे थे, पेट इतना बड़ा बड़ा था। और जो भीमसेन वहां पर आया ना मैदान खाली, और दुर्वासा जाते समय वरदान देकर गया, बोले जा तुम्हारे जो शत्रु और कौन दुर्योधन का नाश हो जाए। जो दुर्योधन आया था, दुर्योधन ने भेजा था पांडवों को मारने के लिए, कहते ना जा के राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह भैर हुई। ये जितने सारे लीला है ना यहीं पर हुई थी, यहीं पर ही जयद्रथ ने द्रौपदी को उठा करके यहीं से ले गया था हैं। इतने में अर्जुन ला कर कैसे उन्होंने पकड़ करके कैसे उनको 5 चोटी बना कर कैसे उनके भेज दिया। यहाँ पर बहुत सारे लीला, यहाँ पर अगर 3-4 दिन यहाँ रुकोगे ना तभी जाकर के दर्शन मिलेगा, लेकिन तो आप एक दिन में ही सब कुछ आनंद लेना चाह रहे हो। लेकिन अंतिम समय में आप लोगों को एक बढ़िया जगह पर हम ले जा रहे हैं अंतिम समय। इसको बाद में एक वृंदा देवी है जो वृंदावन की जो अधीश्वरी, औरंगजेब जब वहां से ले जा रही थी, लेकिन उन्होंने वृंदावन छोड़ करके जाने के लिए तैयारी नहीं हुई, इसलिए वो वृंदा देवी मंदिर में ले जाएंगे। जब गोविंद गोपीनाथ को औरंगजेब यहाँ से, औरंगजेब का आक्रमण से जब राजा मानसिंह यहाँ से ले जा रहे थे, ये काम्य वन में कुछ दिन तक ठाकुर जी रुके, इसलिए जहां जहां पर रुके थे वहां पर भी उनका मंदिर है। वहां पर भगवान श्री गोविंद देव को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को दर्शन करेंगे, और वृंदा देवी जो वृंदावन की अधीश्वरी, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी ना ये वृंदावन धाम परिक्रमा करने का पूरा आपको फल नहीं मिलेगी। हम लोग उनको दर्शन करके फिर हम लोग अपना गौड़ीय मठ में चलेंगे, और जो कल है श्री गिरिराज परिक्रमा है कल की, इसलिए सबके सब गिरिराज परिक्रमा करने के लिए अभी सुंदर गोपालपुर अनाउंसमेंट करेंगे। हाँ, और एक बात है, कुछ कुछ भक्तों ने माला लेने के लिए बोल रहे थे, महाराज जी हमें माला चाहिए माला चाहिए, इसलिए कल जो हमारी परिक्रमा जाएगी सवेरे कितना बजे भोजन होगी? कल सुबह हम लोग, आप लोग जो जो कल परिक्रमा के बाद अपना वापस